भारत एक ऐसी धरती है जहां अनेक मत, धर्म, संप्रदाय और संस्कृतियां हैं। अनेकता में एकता राष्ट्र की विशेषता है। महाकुंभ अनेकता में एकता का दर्शन कराता है। देश के विभिन्न प्रांतों से विविध भाषा भाषी लोग आध्यात्मिक उन्नयन के लिए इकट्ठे होते हैं। यहीं से राष्ट्रीय एकता के तार जुड़ते हैं। कुंभ पर्व के माध्यम से एकत्र होने वाले श्रद्धालु अपने साथ अपनी अपनी भूमि, तीर्थ, समाज व्यवस्था और सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से विराट समानता का दर्शन अवश्य करा देते हैं। भारतीय संस्कृति के मूल में जो परम सत्य निहित है, उसी सत्य के दर्शन इस मेले में होते हैं। इसी कारण कुंभ इतने स्थिर और निश्चित रूप से चला आ रहा है। महाकुंभ में शामिल होने के लिए साधु संतों और आम जनों का आना बदस्तूर जारी है। आज मौनी अमावस्या के पावन पर्व पर महाकुंभ 2013 के शाही स्नान में स्नान करने करोड़ों लोग संगम तट पर पहुंचे। मौनी अमावस्या के शाही स्नान पर्व पर आज तीर्थराज प्रयाग के संगम तट पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही ब्रह्म मुहूर्त से ही शुरू हो गई है। लेकिन शाही स्नान के अवसर पर विभिन्न अखाड़ों की शाही सवारी और जुलूस के साथ निकलने वाली शोभा यात्रा का अपना एक विशेष आकर्षण और महत्व होता है। और आज तो मौनी अमावस्या का शाही स्नान है। हर जीव चाहता है कि हम अपना अस्तित्व को प्राप्ति करें। आज उस अस्तित्व प्राप्ति करने के लिए मौनी अमावस्या एक महान पर्व है। ये है निरंजनी अखाड़ा। शाही जुलूस से पूर्व सभी साधु संत बड़े ही श्रद्धा भाव से तैयारियों में जुटे हैं। निरंजनी और आनंद अखाड़ों की शाही सवारियां उनके शिविर से प्रातः 6:05 पर शाही स्नान के लिए निकली। पेशवाई में नागा बाबा एक से एक करतब करते दिखाई देते हैं। निरंजनी अखाड़े के नागा साधु संत महात्मा महादेव के गगनभेदी जय घोष के साथ आगे बढ़ने को उत्सुक हैं। किसी के हाथ में त्रिशूल तो कोई भाला लिए दुदुम्भी से जय घोष कर रहे हैं। नागा साधुओं के जुलूस से भगवान शिव की बारात की आध्यात्मिक अनुभूति हो रही है। निरंजनी अखाड़े का ध्वज लिए सन्यासी शाही जुलूस के लिए आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं। सभी का अभूतपूर्व जोश और उत्साह देखते ही बनता है। संगम तट पर श्रद्धालुओं गण संतों का दिव्य दर्शन कर स्वयं को धन्य समझ रहे हैं।